तो जैसे कि मैंने बताया था, हमारी जो एल्गी की खेती है वो बढ़ रही है, और हमारे सारे फिशेस नीचे क्या कर रहे हैं, क्या ये बीमार है, इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तो जी नहीं, जस्ट मैं अभी एंटर हुआ हूँ रूम में, और रूम की लाइट और एक्वेरियम की लाइट जो है वो मैंने ऑन कर दी है, तो इसीलिए हमारे सारे फिशेस जो है वो नीचे रेस्ट कर रहे थे, तो अभी धीरे धीरे पानी में तैरना चालू कर देंगे। सो हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो यार ये देखिए हमारा डॉट और स्पॉट, अरे इनकी लाइट चालू करना भूल गया, ये हो गई इनकी लाइट चालू। तो आप देख सकते हो कि हमारे डॉट और स्पॉट जो है वो अभी मुझे जानने लगे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और इनको पता चला है कि मैं यहाँ से फीड करता हूँ, तो आप देखिए डॉट धीरे था, स्पॉट फास्ट था, लेकिन अभी डॉट को भी पता चला है कि मैं यहाँ पे फीड करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि कैसे हमारा जो डॉट है वो ऊपर आया था और उसे लग रहा था कि मैं उसको फीड दे रहा हूँ। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, और जैसे कि मुझे पता नहीं था कि ये भी अच्छे से काम करता है, जो फोम है वो भी अच्छे से काम करता है, और इनके हिसाब से ये जो टैंक है वो भी बड़ा है, टैंक साइज जो है वो बड़ी है, इसीलिए वाटर पैरामीटर्स जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होने वाले हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर फिलहाल मैं दो ही फिश रख के देखूंगा, इनकी केयर कैसी करनी है, क्या करना है, और ये जो फिल्टर है इसके ऊपर भी मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लग रहा है फिलहाल, अभी तक के लिए तो ये अच्छे से काम कर रहा है, और आप देख सकते हो कि पानी भी थोड़ा अच्छा है, क्लियर है, और हमारे जो फिशेज हैं वो भी हेल्दी हैं, तो आप देख सकते हो कि उनका कलर भी जो है वो कितना ब्राइट लग रहा है, ये होता है साइन उनके हेल्दी होने का। तो यार ये जो ब्लू ब्लू कलर का जो टैंक दिख रहा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, उसका लुक जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि एक टैंक ऑलरेडी हमारा ब्लू कलर में है, उसमें वो सूट हो रहा है, लेकिन इसमें ये जो है वो सूट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मुझे ये टैंक पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, अब ये सेट हो गया है। हमारा फिल्टर भी देखिए बहुत सी गंदगी जो है उसने खींच ली है, और बॉटम भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट क्लियर है, ये अभी रिसेंट की गंदगी होगी लेकिन ऑलमोस्ट क्लियर है, पीछे भी जाके बैठी है, तो यार ये अच्छे से काम कर रहा है, और इनको ज़्यादा प्रेशर भी सहन नहीं होता है, इसीलिए भी थक के मरते हैं, तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया था, और मेरा डिसीजन जो है वो अभी मुझे अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यार कितना ब्यूटीफुल है ये हमारा स्पॉट, ये देखिए उसको अभी समझ में आ रहा है कि यार मैं ये खिलाता है, हमें कुछ नहीं करता है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करता, और जैसे मैंने बताया कि मैंने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया है, उनको उनको सेट होने का टाइम दिया और वो अच्छे से सेट हो रहे हैं। देखिए अभी टैप करने के बाद ये कैसे आएंगे, चलो डॉट बेइज्जती मत करो, ये देखिए ये देखिए आ गए ऊपर, ये देखिए अब उनको पता चलता है कि ये हमारा फीडिंग साउंड है, तो हमें फीड मिलने वाला है, तो चलिए अभी इनको बुलाया ही है तो इनको फीड भी कर लेते हैं। तो मैं फिलहाल अभी ये फीड कर रहा हूँ इनके लिए, ये फीड लेके आया था मैं, तो यार मुझे इसको खोलना है तो एक हाथ से नहीं खोल सकता, इसका जो जिप लॉक होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ये देखिए फट गया, इसीलिए आपको ये सॉरी ये देखिए फट गया है, तो इसीलिए ये ख़राब हो जाता है, इसमें चींटियाँ घुसती है या दूसरे कॉकरोचेस होंगे तो कॉकरोचेस घुसेंगे, और ये हवा घुसने के बाद भी ख़राब हो जाता है, तो आपको किसी सील पैक कंटेनर में रखना है, या फिर अगर कोई डब्बा होगा जो ख़त्म हो गया होगा तो मुझे इसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं उस फीड को, तो मैं कर लूँगा, या फिर कोई अल्टरनेटिव डब्बा देखूँगा इसके लिए, क्योंकि इसका जिप जो है, जिप लॉक जो है वो ख़राब हो चुका है, तो चलिए मैं फीड निकाल लेता हूँ, फिर इनको फीड करेंगे। तो मैंने थोड़ा जो फूड है वो निकाल लिया है, तो चलिए ये देखिए हमारा डॉट, देखिए पहले नहीं आता था, फिर ऊपर से देखेंगे, ऊपर से तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं यार, ये देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, लेकिन ये साइज़ भी छोटी है फीड की, तो यार ऊपर से इनका लुक देखिए, उनका जो बटरफ्लाई टेल है वो कितना प्यारा लगता है यार, मुझे तो इन फिशेस के साथ प्यार ही हो गया है गाइस। तो क्या आपको ये पसंद आ रहा है, ये आपको कैसे लगता है आप मुझे बताएं, मुझे तो बहुत पसंद आए, तो ये देखिए बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही, ये तो जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम आपको कि ये डेक्स्टर जैसे दिखता है हमारा जो स्पॉट है वो, तो देखिए। तो आपको सेट होने देने हैं आपकी फिशेस, और जैसे मैंने बताया, पहले भी बताते आ रहा हूँ मैं पहले से, कि आपको एक साउंड रखना है ताकि आप आपकी फिशेस को बुला सके, और
और आपके कोई भी फिश जो हो वो भूखे ना रहे। इससे एक भी फिश आपका भूखा नहीं रहेगा। जब आप ऐसे टैपिंग करोगे, कुछ भी आवाज़ करोगे या फिर ऐसे फीड दिखाओगे, कुछ तो एक साइन रखना है। डर गए, सॉरी, तो कुछ तो ऐसे साइन रखना है जिससे कि आपके फिशेस को पता चले, टर्टल्स को पता चले कि हमारा ये फीडिंग टाइम है और हमें अभी बाहर निकलना है। हेलो दिनेश, ये भी अभी लाइट की वजह से शांत पड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि हाइपर एक्टिव है और पानी की जो कंडीशन है वो भी ख़राब है, और ये जो बच्चों ने चीज़ें डाली है वो भी मुझे निकालनी है, तो मैं इसका वाटर चेंज आज ही कर लूँगा क्योंकि ज़्यादा चांस नहीं ले सकते। और इसमें हम एक जो हमारा फिल्टर लाया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि कल मैंने दिखाया था आपको कि मैंने एक स्पॉन्ज फिल्टर लिया है इसके टैंक के लिए। तो यार ऐसे भी इसका जो एयर पंप है वो चालू रहता है, तो खाली भागने से अच्छा है कि हम एक पंप ही लगा देंगे। सेम वैसे ही लाया है जैसे कि हमारे गोल्डफिश टैंक में है, तो यही पंप हम लगाएंगे, उस सेम पंप को जो एयर पंप है उसको अटैच कर देंगे और ये जो फिल्ट्रेशन है वो उसका चालू हो जाएगा। पानी तो इसका चेंज करना ही पड़ेगा, इसमें डाउट ही नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा है, कुछ तो रहना चाहिए। तो हमारे दिनेश के टैंक का पानी आज मैं चेंज कर लूँगा और ये जो फिल्टर है वो भी आज ऐड कर देंगे। तो मुझे एक और अपडेट देना है हमारे ग्लोफिश के बारे में। तो यार अभी ये देखिए, ये नीचे वाला जो ग्लोफिश है वो अभी ठीक से तैर रहा है, नहीं तो अभी ये नीचे पड़ा हुआ था वहाँ पे, जो रेड रॉक आपको दिख रहा है, स्टोन दिख रहा है कोने में, वहाँ पे पड़ा था। अभी ये फ्लो की वजह से ये अच्छे से तैर रहा है, और आप देख सकते हो कि उसके सिर के ऊपर जो है वो एक हम्प आया है उसके सिर के ऊपर, जो कि फिशेस में आता है, कमज़ोर दिखते हैं और उनकी डेथ होती है। तो ऐसे ही कमज़ोर दिखने वाले जितने भी फिशेस थे वो मेरे पास नहीं रहे। ये भी देखिए, इसके भी वैसी हालत है, और एक फिश था, नहीं इतने ही, अभी ये एक फिश, ये एक फिश, और ये देखिए इसकी हालत, देखिए इसकी भी हालत वैसे ही हो रही है। तो पता नहीं यार क्या हो रहा है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि इनमें वर्म्स है, लेकिन किस टाइप के हैं, क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो अगर ट्रीटमेंट क्या होगी, मेडिसिन क्या ऐड करने हैं स्पेसिफिक इनके लिए, जो एट्रा वराइटी है उनके लिए, तो आप मुझे बताइए। वैसे तो मैं हमारे जो शॉपकीपर है उसके साथ बात करके मैं लूँगा ही, लेकिन आपको पता होगा तो आप मुझे ज़रूर गाइड करें कि क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हो कि रैपिडली एकदम कम हो रहे हैं। तो ये देखिए इसकी भी स्विमिंग स्टाइल जो है वो अभी ख़राब है, ये भी फ्लोट कर रहा है, और वो ग्रीन वाला भी था वो भी फ्लोट कर रहा है। दिखने में देखिए सारे ऐसे हेल्दी थे, लेकिन एकदम से इनमें क्या होता है पता नहीं, और ये मर जाते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, और मैं वो ट्रीटमेंट फॉलो करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं जो भी ट्रीटमेंट फॉलो करूंगा शॉपकीपर के साथ बात करके, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा अगर मुझे ये काम में आती है। हमारे दिनेश के टैंक के साथ साथ हमारा टर्टल टैंक भी क्लीन करना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा ये टैंक जो है वो यहीं पे क्यों है, अब तक मैंने इसको शिफ्ट क्यों नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे धूप आ गई है और मैं दोपहर के टाइम ही इनको यहाँ पे रखता हूँ। रात के टाइम एसी चलता है तो वो बाथरूम में सेपरेट रहते हैं, इसलिए मैंने नहीं निकाला है। लेकिन मैं जहाँ पे जगह सोच रहा था ऊपर टेरेस पे, तो वहाँ पे एक गैप है, वहाँ से ये टर्टल्स जो है हमारे बेबी टर्टल्स वो भाग सकते हैं, इसीलिए मैंने इनका टैंक अब तक शिफ्ट नहीं किया है। लेकिन मुझे जगह मिल गई है जहाँ पे सुबह की धूप बहुत अच्छी तरीके से आती है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बास कर सकते हैं, और वहाँ से एस्केप भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ की जो विंडो है अभी मैंने खोली है, तो यहाँ की जो विंडो फ्लश आती है यहाँ पे, अगर वो चढ़ते भी हैं तो विंडो को टकरा के अंदर ही गिरेंगे। तो वैसे ही जगह मुझे हमारे पुराना टर्टल टैंक था और हमारे जो पहले वाले गोल्डफिश मैंने जहाँ पे बड़े टैंक में शिफ्ट कर दिए थे, उसी विंडो में ये इनका इंक्लोजर जो है वो शिफ्ट करूँगा और वहीं पर ये रहेंगे थोड़े दिनों के लिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कॉटन है, जो अल्बाइनो रेड ईयर स्लाइडर टर्टल बेबी है, वो इन्फेक्टेड है, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू है। आज ट्रीटमेंट का दूसरा दिन होगा, मैं उसको मेडिसिन के पानी में रखूंगा। तो ये देखिए हमारा जिक, ये रहा जैक। तो जैक को मैंने अभी उठाया, सो रहा था, तो उसको एक आँख खोलने में तकलीफ हो रही थी, तो मुझे उसको भी मॉनिटर करना है कि क्या एक्चुअल में था, क्योंकि मैंने उसको नींद से उठाया था, तो वो भी रीज़न हो सकता है। उसकी आँखें तो स्वेलन नहीं दिख रही है, लेकिन उसका जो आँख था वो एक आँख बंद करके खोल रहा था, तो उसको तकलीफ हो रही थी उसको खोलने में,
तो मुझे उनके ऊपर मॉनिटर रखना है, मॉनिटर करना है। ये देखिए लेफ्ट साइड की आँख अभी भी वो वैसे ही कर रहा है, बीच बीच में नहीं, अभी नहीं हो गया है। वैसे तो स्वेलिंग नहीं दिख रही है, सॉरी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, वैसे तो स्वेलिंग नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं लेना है, उनको देख रेख के अंदर ही रखना है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इनका एक छोटा सा पॉन्ड ही क्यों ना बनाऊँ टेरेस पे, और पूरा अच्छी तरीके से सिक्योर रखूँ जिससे कि इनको तकलीफ ना हो और ये प्रॉपर इकोसिस्टम में भी रहे और हेल्दी भी रहे, और सनलाइट जो होती है वो भी इनको टाइम टू टाइम अच्छे से मिलती रहे। तो मैं ये सोच रहा हूँ, तो देखेंगे अगर होगा तो आपको मैं दिखाई दूंगा। तो इनका भी जैसे मैंने बताया कि टैंक क्लीन करना है, थोड़ा ग्रीन हो चुका है पानी इसका, तो ये भी क्लीन करेंगे और इनको भी शिफ्ट करेंगे। मुझे जगह मिल गई है तो आज नहीं, हम बाद में शिफ्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको हमारा कॉटन दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कॉटन जो कि सो रहा है अभी। तो इसको बास्किंग के बाद मैंने ड्राई डॉकिंग किया है, इसको ड्राई रखा है। चलिए हम थोड़ा लाइट में जाते हैं, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है। तो ये देखिए, ये आ गए हम लाइट में। तो ये देखिए, ये हमारा कॉटन है जो कि अभी सो रहा है। तो इसको भी आज मैं ट्रीटमेंट दूंगा मॉक्स 250 mg में, मैं इसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। अगर मैंने एक प्लान किया है कि मैं इसका जो फीडिंग है वो अलग तरीके से करूँ, तो अगर वो मुझे काम आता है, इसके ऊपर रिजल्ट्स दिखते हैं, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट कर लूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा, क्योंकि वो आइडिया मुझे आज ही सुबह आया है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना है आज ही इसके ऊपर, और मैं देखूँगा कि इसका रिकवरी जो है वो कैसे होता है। तो आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर एक वापस मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, वैसे तो ऑलरेडी है, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली मेरे टर्टल्स के ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो करके दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं। पिछले वीडियोज़ में तो आपने सिम्टम्स देखे ही होंगे, लेकिन अभी के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, मैंने क्या क्या चीज़ें देने वाला हूँ, करने वाला हूँ, और किस तरीके से मैं करूँगा। तो आपको ये सब अगले डेडिकेटेड वीडियोस में देखने को मिलेगा ही, और आपको हमारे डेली व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कुछ भी मिस ना करें।